बैठमा की धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथा में रुक्मणी विवाह प्रसंग हुआ, जहां भक्तों ने इस प्रसंग का खूब आनंद लिया। वहीं कथाचार्य ने बताया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई होती है और रुक्मणी संघ कृष्ण की शादी का ये प्रसंग मंगलकारी है। इसके पूर्व कथा में श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण भी किया गया, जिसे सुन सभी भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान कई दृश्य उपस्थित होते रहे, जिसमें सभी श्रद्धालु रास करने लगे और समा बांध दिया। स्थानीय कुशवा समाज धर्मशाला में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन परम पूजनीय भागवत आचार्य पंडित सुनील उपाध्याय गौली पलासिया महू के पावन सानिध्य में आयोजन चल रहा है। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मोहनलाल जी खिलावदिया के इस परिवार में भगवान की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से बालक का जन्म हुआ और उसी उपलक्ष में इस परिवार ने बहुत ही सुंदर आयोजन रखा। आज भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मणी के विवाह के प्रसंग के बारे में सभी ने खूब आनंद उत्सव मनाया, खूब आनंद बरसा। कुशवा मित्र मंडल की ओर से, सभी भक्तों की ओर से इस आयोजन को बहुत ही सुंदर किया जा रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका नाम? प्लीज सुनील उपाध्याय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।